yummy masala pao. The bunny cow. मसाला पाव के लिए हमें जरूरत है इन सारे इंग्रेडिएंट्स की। एक किलो बारीक कट टमाटर, दो प्याज जिन्हें मैंने लच्छेदार काट लिया है, तीन शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, पाव भाजी मसाला, कोथमीर 5 से 6 हरी मिर्चिया, जीरा हल्दी मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक, और हमें चाहिए बटर। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा मसाला पाव। हमें एक पैन लेना है और उसे गर्म होने देना है और उसमें डालना है हमारा बटर। बटर मेल्ट होते ही हम डालेंगे उसमें प्याज। ब्राउन हो चुकी है, अब हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालते हैं सारे मसाले। शिमला मिर्च की बारी। अब हम डालेंगे हमारे बारीक कटे टमाटर। अब डालेंगे हरी मिर्ची और साथ ही साथ पाव भाजी मसाला। देखिए सब्जी पक चुकी है, अब हम उसे मैश करेंगे। हमें इसे अच्छे से मैश करना है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे एक नींबू का रस। कोथमीर डालकर और 5 मिनट पकाएंगे। मसाला पाव की सब्जी क्या मस्त लग रही है। वाओ, अब लेते हैं पाव। पाव को बीच में से काटेंगे ताकि उसमें सब्जी को फील कर सकते। अब हम लगाएंगे सब्जी अपने पाव को नहीं। अरे बाबा, ये मसाला पाव नहीं है, मसाला पाव है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दो तरीकों से पाव को सजा सकते हैं, पहला तो ये है बिना बटर के, और दूसरा थोड़ी देर से बताता हूँ। प्याज, सेव और कोथमीर से सजाना है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिए और इसे रमज़ान में भी बनाएं। मेरे चैनल पर बताई हुई तमाम चीज़ें रमज़ान में ट्राई करिए और रमज़ान की इफ्तारियों को स्पेशल बनाएं। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं पाव को सजाने का। पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। मेल्ट होने के बाद उनमें कोथमीर और लाल मिर्च डालेंगे। उसे 5 से 6 सेकंड पकाएंगे और हम हमारा बीच से कटे हुए पाव को उस पे स्प्रेड करेंगे। देखिए बन गया ना हमारा पाव मसालेदार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जान पहचान वाले लोगों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।